second. Selamun mail kaçmıyor? Şu an incelecek. नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं वी एम न्यूज़ 24x7। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज अहमद भट्ट। नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त मौजूद हूं जिला डोडा के ब्लॉक कास्तीगढ़ में मौजूद हूं, और मेरे पीछे ये जो कुछ लोग देख रहे हैं इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आज ब्लॉक कास्तीगढ़ में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक कमेटी की गई, मीटिंग की गई, और इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए ब्लॉक प्रेसिडेंट कास्तीगढ़ मेरे साथ बातचीत में भी आप सब व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और डोडा से आए हुए इनके खुसूसी मेहमान जो थे वसीम राजा जी थे, और इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे आज की मीटिंग का क्या मकसद था। सबसे पहले जनाब, हम आपका वेलकम करते हैं। शुक्रिया रिया साहब। थोड़ा सा आज की मीटिंग के हवाले से बताइए, जिस तरह से आज आपने कास्तीगढ़ हेडक्वार्टर पर मीटिंग ली इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, इस मीटिंग का मेन मकसद क्या था? देखिए रियाज साहब, यहाँ पे हमारे डोडा से वसीम राजा साहब आए हुए थे, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ऑफिस सेक्रेटरी हैं। उसके बाद सज्जाद साहब आए हुए थे, तो यहाँ पे हमने एक मीटिंग कॉल की हुई थी अपनी सारी कमेटीज को लेके। हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की कमेटी ब्लॉक कास्तीगढ़ की है, सभी विंग्स को हमने यहाँ पे बुलाया हुआ था। तो यहाँ पे हमारी 3-4 घंटे की मीटिंग चली। इस मीटिंग के दौरान यहाँ पे मुख्तलिफ मौजूदात पे बात हुई, और मुख्तर तौर पे ये बात हुई क्योंकि आगे वाला इलेक्शन किस स्ट्रेटजी से लड़ा जाएगा, आगे हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे हमें किस किस किस्म की मेहनत करनी है, तो इन्हीं चीज़ों को लेके यहाँ पे मीटिंग हुई थी। और अपने जो वर्कर्स हैं उन वर्कर्स को यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें बताई, उनसे कुछ फीडबैक हमने लिया, तो इसी चीज़ को लेके यहाँ पे मीटिंग थी रियाज साहब जी। अच्छा, तो सर आगे किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे, जिस तरह के यहाँ पे लोग आए हुए थे, अलग अलग इनकी डेजिग्नेशन है, तो किस तरह का इनको मैसेज देना चाहेंगे? देखिए रियाज साहब, फिलहाल आज तो हमने कोई इतनी बड़ी मीटिंग बुलाई नहीं थी, मुख्तसर चंद लोगों की मीटिंग बुलाई हुई। हमारे जो अहदेदार हैं, चाहे वो एससी विंग का हो, एसटी विंग का हो, जनरल जो हमारे वर्किंग कमेटी पैरेंटल बॉडी की उसका हो, और बाकी भी चंद वर्कर्स को हमने बुलाया हुआ था, ताकि छोटी सी हमारी मीटिंग थी, और आगे आने वाले वक्त में हमारी मीटिंग्स में लोग ज़्यादा तादाद में हम शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ चंद लोगों के साथ यहाँ पे हमने बात की। तो अब हमारा जो इनके लिए पैगाम यही है कि देखो, इलेक्शन आने वाले हैं और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत इसलिए हम कर रहे हैं कि हमारे जो इलेक्शन के लिए कल जो भी फैसला होगा, उस फैसले में कांग्रेस की तरफ से हमारे, खास करके डोडा वेस्ट जो 53 नंबर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे जो भी हमारा उम्मीदवार होगा, उस उम्मीदवार को हम भरपूर कोशिश करेंगे और यहाँ से उसको हम जिता के भेजेंगे जी। तो किस हद तक आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, किस हद तक इस पार्टी को आप देख रहे हैं, क्या मजबूरी है इस वक्त, जो इस वक्त यहाँ पे आपने कमेटी जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डोडा से कुछ लोग आए थे, तो किस हद तक उनसे आपने जानकारी ली और लोगों तक किस हद तक मैसेज देंगे? देखिए रिया साहब, आपने ये कहा कि किस हद तक मजबूरी है कि कांग्रेस को सामने लाना है। देखिए, आप देख रहे हैं कि इस वक्त दो नेशनल लेवल की पार्टीज हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेकिन एक हिस्ट्री रही है कि कांग्रेस ने बहुत अरसे तक हिंदुस्तान को आगे लिया है, चाहे वो जंग आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो उसके बाद हिंदुस्तान को डेवलप करने का हो। उसके बाद हिंदुस्तान के सामने बहुत बड़े बड़े हिमालय पहाड़ के जैसे मसाइल जब खड़े हुए, कुछ जंगी हालात हुई, उन हालात में भी कांग्रेस ने मुल्क को उभार के निकाला है, डेवलप किया है। आजकल हम लोग दुनिया के बहुत बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज के साथ रेस में हर लिहाज से आ गए हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो बहुत बड़े बड़े कुछ मसाइल हैं, जिनको कोई भी पार्टी कांग्रेस के अलावा हल नहीं कर सकती है, और उसी कयादत को लेके, चाहे वो हमारी सोनिया गांधी जी की कयादत हो, राहुल गांधी जी की कयादत हो, कांग्रेस की जो सेंट्रल टीम है उसकी कयादत हो, या स्पेशली हमारे जो मायानाज हस्ती गुलाम नबी आजाद साहब है उनकी कयादत हो, उसी कयादत में हम यहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट बने, और आने वाले वक्त में जो हमारे बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, चाहे वो हमारे स्टेट को लेके हो, चाहे वो बाकी बहुत बड़े बड़े मसाइल, इन सारे मसाइल को हम पार्लियामेंट में उठाएं, इन सभी मसाइल का हम नेशनल लेवल पे कोई हल निकालें और अपने आवाम को राहत दे दें जी। 3 या 4 पार्टियों के बीच में कांग्रेस को मुकाबला होगा, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुकाबला कर सकती है या कोलिशन करेगी? देखिए जी, हम तो ये बता रहे हैं, कोलिशन प्री पोल्स अलायंस जो है वो पार्टी हाईकमांड का फैसला है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो या एनसी की तरफ से या जो भी अलाइड पार्टीज हैं। तो फिलहाल हमें ये है कि बीइंग ए ब्लॉक प्रेसिडेंट ब्लॉक कास्तीगढ़, मेरी ये रिस्पांसिबिलिटी है कि मैं अपने ब्लॉक से क्या प्रोग्रेस दे रहा हूँ अपनी पार्टी को, और मेरी ये रिस्पांसिबिलिटी मैं कितने लोगों को जोड़ रहा हूँ, ये कोई हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। आपने देखा चिनाब वैली में पीछे भी जो 6 हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उनमें से 5 सीटों पर हमने इलेक्शन जीता हुआ था, चाहे वो हमारा बानीहाल हो, चाहे वो हमारा रामबन हो, चाहे वो हमारा भद्रवाह हो, चाहे हमारा
डोडा हो, चाहे हमारा इंद्रवाल हो, इन सब सीटों पे कांग्रेस के एमएलए जीत कर आए थे। और एक वक्त में जिस वक्त आजाद साहब सीएम बने थे और उसके बाद अगले इलेक्शन में 6 में से 5 सीटें हमने ली, हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस वक्त भी मुकाबला था, चाहे एनसी का था, चाहे पीडीपी का था, चाहे बीजेपी का था, यही लोग उस वक्त भी हमारे मुकाबले में थी, लेकिन हमारे लोगों ने उस वक्त भी जीत के सामने रिजल्ट दिखाया। और आज भी हम उम्मीद करते हैं कि हम इस लगन के साथ, इस जज्बे के साथ, इस मेहनत के साथ, और वक्त है, क्योंकि देखो आपका जो गुजरात मॉडल जिसपे वोट लिए गए थे, जिस पे लोगों को गुमराह किया गया था, हम गुजरात मॉडल बनाएंगे, और 8 साल के अंदर ये प्रूव हो गया कि गुजरात मॉडल जो था बेसिकली अपने आप में एक फेलियर का मिसाल थी, और वही फेलियर की मिसाल इन्हें हिंदुस्तान के हर स्टेट में अपनाई, और जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा मुतासर किया उस गुजरात फेलियर मॉडल से। और पूरी दुनिया भी ये जान चुकी है गुजरात मॉडल कोई डेवलपमेंट का मॉडल नहीं था, वो फेलियर का एक मॉडल था, जिस फेलियर को हिंदुस्तान के हर स्टेट तक पहुंचाया गया। और अब लोगों के जहन में यह समझ आ गई है कि गुजरात मॉडल फेलियर मॉडल था, हमें वही मॉडल चाहिए जो कांग्रेस कयादत में और आजाद साहब की कयादत में हमें मिला था, जिसमें हमें 8 डिस्ट्रिक्ट मिले थे, जिसमें हमें 600 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स मिले थे, जिसमें हमें नरेगा स्कीम मिली थी जो कि हिंदुस्तान के प्रायोरिटी मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में से सबसे पहले जम्मू कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आजाद साहब ने लॉन्च की थी। और वही नरेगा स्कीम आजकल रूरल एरियाज में गरीब इंसान के लिए एक बैकबोन का काम कर रही है। और इन्हीं चीजों पे, चाहे वो हमारे एजुकेशन सेक्टर हो, हमारे हेल्थ का सेक्टर हो, हमारा किसी भी लेवल का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, वो आजाद साहब ने इंप्रूव कराया था। और उसी डेवलपमेंट की बेस पे, उसी 2.5 साल की जो प्रोग्रेस है, उस प्रोग्रेस को एक आईना सामने रख के हम लोगों से वोट मांग रहे हैं, और इंशाल्लाह मांगेंगे और कामयाब भी होंगे। जी, तो आम आदमी पार्टी आप देखते होंगे जिस तरह से बड़ा यूथ, उसमें आपने रैली भी देखी हुई कल डोडा में उनका प्रोग्राम था, तो किस तरह उन्हें देखेंगे आप, किस तरह जाए यहाँ पे यहाँ के सारे यूथ आपके कांग्रेस का एक वहाँ पे जीवन सिंह चिप जी हैं वो भी ज्वाइन कर दिए, कुछ मेंबर सरपंच वगैरह जो कुरधार भी में आते हैं, तो उन सब चीज़ों को किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताएंगे, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो हर इंसान अपनी पार्टी बना सकता है, अपनी मर्जी से पार्टी ज्वाइन करता है, इसमें कोई एतराज होना नहीं चाहिए। लेकिन एतराज इंसान को तब होता है जब भोले भाले सीधे साधा लोगों को तोड़ मरोड़ के चीजें पेश की जाती है। जहां तक आपने जीवन सिंह चिप का सवाल किया, खैर 1.5 साल हमने साथ में काम किया, मैं उस पर तो कोई वजाहत नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के अंदर जो भी इंसान जा रहा है सोच रहे नई पार्टी है, हम जाएंगे, हमें मैंडेट मिलेगा। कोई आम इंसान जाता है वो सोचता है कम से कम मैं सरपंच बनूं, अगर कोई वार्ड पंच लेवल का बंदा जा रहा है वो सोच रहा है कम से कम मैं बीडीसी बनूं, तो कोई सरपंच लेवल का बंदा जा रहा है वो तो बता रहा है मैं एमएलए बनूं। तो देखो, ये जो आम आदमी के अंदर जो इस वक्त बहुत भरमार है लोगों की, हर बंदा अपने जाती मुफाद के लिए जा रहा है, और हर बंदा वो है जिसका एक मतलब एक क्रिटिसिज्म का माइंड है, हर बंदा वो जा रहा है जो दूसरी पार्टियों से हट के आया है। और आप जैसे पेश किया जा रहा है कि आम आदमी एक साफ शफाफ पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। उस पार्टी के अंदर जो भी वर्कर है, जो भी बंदा है, उन लोगों ने, चाहे वो एनसी की हुकूमत हो, चाहे वो कांग्रेस की कोलेशन गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इन सब लोगों के साथ मिलके काम किया और हमारे अवाम को तब भी गुमराह किया है। और आज ये लोग जा रहे हैं एक नया नारा लगा के, और आज भी इस चीज को बेसिकली और प्रैक्टिकली इस चीज को हमारे आम इंसान को समझना चाहिए कि इन लोगों का नारा क्या है। मेरा एक ही सवाल है आम आदमी से कि अगर इस वक्त यहाँ पे तो बीजेपी भी 50 की दावेदार नहीं है, एनसी भी 50 की दावेदार नहीं है, तो हम ये भी कोई बड़बोलापन नहीं करेंगे कि कांग्रेस 60 लेगी, हम जो जनमन चीजें हम उन्हीं चीजों को लेके आगे चलेंगे। तो आम आदमी पार्टी जो कल की डेट में यहाँ पे आई हुई है, अभी इमर्ज हो रही है, तो किस मंजिल को लेके वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? क्या वो 50 सीटें लेंगे? अगर वो 50 सीटें लेके गवर्नमेंट बनाएंगे तो तब उनका प्रचार जनरल बनता है? अगर वो कुछ कर नहीं पा रहे, अगर वो 1 या 2 सीट की अपनी सिर्फ वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस बहकावे में क्यों हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम जी कल को आपको बिजली देंगे, पानी देंगे? अरे भाई, बिजली क्या दोगे? बिजली दोगे ना 200 यूनिट देंगे, हमारे लोग अगर 400 यूनिट जला के भी 400 दे रहे हैं, अगर कल को आप 200 यूनिट देंगे और अगले वाले 200 यूनिट का आप 1500 चार्ज करेंगे तो वो क्या फ्री हुआ? अगर हमारा पानी अभी 5000-3000 लीटर हर घर को मिल रहा है, जिसमें उसकी पोल्ट्री भी शामिल है, उसके माल मवेशी भी शामिल है, वो लोग पी रहे, तो कल को आपको 200 लीटर पानी मिलेगा और उसके ऊपर उस पर चार्ज लगेगा, तो आपको तो 2000 देके भी कम पड़ जाएगा आपका किराया। तो ये चीजें लेके, ये तब है ना जब गवर्नमेंट बनेगी भाई, जब आप 2 सीटें भी ले नहीं पाएंगे तो किसने प्रचार करें? यूथ को क्यों गुमराह करिए? तो डिवाइड एंड रूल का एक मसला है। आप तो डायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप कांग्रेस के वोट को या दूसरी पार्टी के सेकुलर वोट को काट के आप बीजेपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे यही लगता है। चलिए, वक्त देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। चलिए, कुछ और लोगों से बात करने की जरूरत है। जनाब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रफीक मलिक है, मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहाँ बलाक कास्तीगढ़ से जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो
सर आज हमारी जो मीटिंग थी और हमने बहुत सारे अपने जो वर्कर्स से बुलाए यहाँ पे और सब आए और इंशाल्लाह लोग कवरेट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम आगे जाएं और इस वक्त जो हमारी रियासत में हालात बने हुए हैं या हमारे इलाकों में जो ज़रूरतें हैं उन चीज़ों को मद्देनजर रख के हमारी ये मीटिंग हुई यहाँ पे, कुछ हमने यहाँ पे बातें की और किस तरह से आगे इस पार्टी को ले जाएं वही मीटिंग इसलिए हमने बुलाई थी यहाँ पे, जिसमें डॉक्टर वसीम साहब भी आए थे और बहुत सारे लोग थे। क्या लगता है आपको, अगर बात की जाए तो 3 या 4 पार्टी के बीच में कांग्रेस को भी मुकाबला करना पड़ेगा, किस हद तक इसको देखें, चाहे अगर बात की जाए बीजेपी की, चाहे बात की जाए पीडीपी की, चाहे बात की जाए एनसी की, और अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी, आप देखते होंगे कि हर बच्चा, हर चाहे बच्चे छोटे को लेके बड़े तक आज कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी। तो किस हद तक इस आम आदमी पार्टी को देखें जो इस वक्त वजूद, जो इस वक्त ग्राउंड पे जो काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं, तो इसको किस हद तक आप देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने ये कोई पहला इलेक्शन नहीं लड़ना है आम आदमी की तरह, और कांग्रेस ये तब से लड़ी जा रही है जब से हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ, और कांग्रेस के पास, हमारे पास उपदन मजीद वानी यहाँ खिते चनाब में वो पुल है जो हमें पूरे हिंदुस्तान से जोड़ता है, और हमारी यही कोशिश है कि इस पुल को मजबूत करें, इसको हम कभी टूटने ना दें। रही बात आम आदमी की, और आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हो, उनका नाम तो आम आदमी पार्टी है लेकिन वो आम पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं अभी मेरे हिसाब से। अभी उनमें जो मेराजी हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि इस वक्त हमारे यहाँ रियासत में हालात कैसे हैं, सिचुएशंस क्या है, हमें किस अंदाज से इलेक्शन लड़ना चाहिए, उन्हें ये सोचना चाहिए जो हालात है क्या आम आदमी पार्टी उन हालातों से निपट सकती है, यहाँ का जो रोजगार खत्म हो गया है, आम आदमी बिना सरकार बनाए क्या वो रोजगार खत्म कर सकती है, क्या वो जो यूथ इस समय दरबदर है, क्वालिफाइड लोग हैं, तो क्या वो उनको रोजगार दे सकती है? नहीं दे सकती है, सिर्फ वो अपनी कुर्सी के लिए या अपने एमएलए बनने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं, और लोग इस बात को बहुत नहीं समझ रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि आम आदमी यहाँ पे सब कुछ करेगा, करप्शन खत्म करेगी, कुछ होने वाला नहीं है, या जैसे चल रहा है वो यहाँ पे इसलिए आई है। और मेरा ये मैसेज मेरा जी तक पहुंचाइए आप लोग के वो देखेंगे जब यहाँ पे इलेक्शन होंगे उसके बाद उनकी वजह से जो खमियाजा भुगतना पड़ेगा हमें भी, उनको भी, और उनकी नस्लों को बर्बाद होना पड़ेगा। वो याद रखे इलेक्शन होने के बाद वो मुझसे मिले, बात करें कि मैंने क्या कहा था आज के लिए। चलिए, मैं बिखूबी जानता हूँ जिस तरह से आपने आम आदमी पार्टी की बात की, अगर बात कीजिए कांग्रेस की तो क्या कमजोरियां है कांग्रेस पार्टी को, जो जो इस वक्त जो क्या कमजोरियां है जो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचती है, क्या हार का सामना करना पड़ता है, तो कौन सी ऐसी कमजोरी है? देखिए, ये जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं हर मसले में, चाहे वो सियासत में हो, आपकी निजी जिंदगी हो, और आप जिस लेवल पे काम कर रहे हो उतार चढ़ाव आता रहता है, और कभी जब किसी को ठोकर लगती है और वो ठोकर उसको मजबूत कर देती है, कांग्रेस को ठोकरें लगी है, इंशाल्लाह ये मजबूती के साथ आगे उभर के आएगी इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आप भी अपना नाम बताइए थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ और हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं बताता चलूंगा कि आज वर्किंग कमेटी कांग्रेस की यहाँ पे आज कमेटी हुई और डोडा से कुछ लोग मेहमान आए हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर यहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट कास्तेगर ने पूरे आवाम के लिए मैसेज दिया कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर लोगों तक, लोगों के काम को पहुँचाने में तश्कील करी है। तो नाज़रीन, आप जुड़े रहिए वीएम न्यूज़ 24x7 के साथ, नेक्स्ट अपडेट के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।